त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा पद जंबो जेट पद जिला परिषद। जिला परिषद की शक्तियां अपरंपार है। हालांकि इसे साधारण बोलचाल भाषा में आपके पंचायत में आपके इलाके में लोग इस पद को मिनी विधायक कहते हैं, क्योंकि जिसका एरिया को देखकर। हालांकि अगर यह पद की इसकी जो वैधानिक शक्तियां हैं, जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में और संविधान में इसे जो शक्तियां दी गई है, उससे हम कह सकते हैं कि यह राज्यपाल है। यह पद राज्यपाल का काम करता है। तो दोस्तों, आज हम जिला परिषद की शक्तियों और कार्य के बारे में, इसके वेतनमान के बारे में, कितना पावर है, वित्तीय पावर के बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत दिनों से यह आग्रह चल रहा था, कमेंट में लिख रहे थे कि जिला परिषद सदस्य पद की शक्तियां और कार्य, उसके पावर के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज मैं उसे लेकर हाजिर हूँ संक्षिप्त रूप में, और अगर आप लोगों ने चाहेंगे कि और मतलब इसको और विस्तृत रूप में बताया जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है। और यूं कहिए तो केंद्र व राज्य सरकारों के बीच के कड़ी का काम करता है। जिले के सारी योजनाओं का निरूपण करना, क्योंकि जिला योजना समिति है उसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए जिले के सारे कार्यों का, विकास योजनाओं का यह निरूपण करता है। जिले में इन्हें मिनी विधायक कहते हैं, दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इनका पद सिर्फ एक विधायक के पावर इतना नहीं है। यह जो पद है, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बीच का कड़ी का काम करता है। इसलिए इस पद को केंद्र और राज्य सरकार के बीच का कड़ी का काम पूर्ण करता है, राज्यपाल करता है, तो इसे जिले का राज्यपाल भी कहा जा सकता है। दोस्तों, जिला परिषद जो आप देखते हैं कि इनकी क्या पावर है, वित्तीय पावर क्या है और वैधानिक शक्तियां क्या है, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा, आपके भी मन में सवाल उठता होगा, अगर जिला परिषद कुछ नहीं है, जिला परिषद बस एक ही समय उसका वैल्यू होता है जब अध्यक्ष का चुनाव होता है और मोटा माल लेकर ये लोग वोट दे देते हैं, ऐसी एक फिगर, एक खाका बन गया है जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के जो जिला परिषद पद के लिए ऐसे ही मन में फिगर बन चुका है। लेकिन अगर हकीकत कहा जाए, इसकी संवैधानिक पावर शक्ति की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा पावर है जिला परिषद सदस्य का। पावर इतना है, अगर सही से इसका सदुपयोग किया जाए, उसको अगर लोग जान जाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, तो ग्राम पंचायत और बीडीसी भी जिला परिषद के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। पहले कहां कहां कार्य कर सकता है, तो आप यही समझ लीजिए, नगर निगम, नगर पालिका और छावनी पार्षद क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो जिले में कहीं भी यह जिला परिषद सदस्य काम करता है, जिला परिषद काम करता है। इसका गठन पे हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं, हल्की फुल्की सारे चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर इसका गठन की बात करें, तो इसका गठन होता है, एक जिला परिषद का जो सदस्य का चुनाव होता है, लगभग 50,000 की आबादी पे एक जिला परिषद क्षेत्र होता है, उसका चुनाव होता है। दोस्तों, हम इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम सरपंच के बारे में बात किए, मुखिया के बारे में बात किए, पंचायत समिति सदस्य के बारे में बात किए, सारे के बारे में बात किए हैं। आज हम जिला परिषद के बारे में संक्षिप्त जो पावर शक्ति है उसको लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश सही है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो पहले कर दीजिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, 5-6 मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो कुछ सोच कर कुछ उसमें से चुन के कुछ पॉइंट चुन कर लाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं।
इसका विस्तृत रूप में हम बाद में टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी चूंकि बहुत सारे लोग लीजिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको यह जानकारी होना चाहिए था कि आखिर इस पद की शक्तियां क्या है। तो शक्तियों की बात करें तो यह जिले में किसी भी कार्य का प्रबंधन और संरक्षण करना, किसी भी कार्य का, किसी भी संस्था का कार्य हो उसका प्रबंधन और संरक्षण करना इसका काम है। यह एकमात्र पद है, यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो घाटों, बाजारों, सड़कों का प्रबंधन करता है, उसका अनुरक्षण करता है, बीडीसी और पंचायत ग्राम पंचायतों को अनुदान देता है, संकट में फंसे लोगों को राहत हेतु आवश्यक उपाय करता है, पंचायत समिति के बजट प्रकरण की जांच व मंजूरी करता है, प्रखंड के अधिकांश फैसलों को अपने हाथों में लेता है, किसी निजी स्वामित्व वाले और निजी संपत्ति जैसे हो गई, जैसे में ग्रामीण पुल, तालाब, नहर, कुआं, नाली एवं पंचायत समिति सदस्य के पंचायत समिति के अंतर्गत कुछ कोई आता है सार्वजनिक स्थल, तो उसको अपने हाथों में लेकर उसका प्रबंधन कर सकता है, उस पर कर लगा सकता है। तो जिला परिषद की यह पावर है, इतनी शक्तियां हैं जिला परिषद को। और जिला परिषद को अभी एक बात हम बोले थे कि संकट में फंसे लोगों को मदद करना, अभी कोविड के काल में जिला परिषद को यह दिया गया है कि जिला परिषद ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है, कोविड सेंटर की व्यवस्था कर रहा है, जिला परिषद कर रहा है, जिला परिषद को इतनी फंड दी गई है। अभी फिलहाल आप अखबारों के माध्यम से, अन्य समाचार माध्यमों से आप उन्हें पढ़ा होगा, देखा होगा। तो जिला परिषद सदस्य का इतना पावर होता है, बहुत तरह के पावर है, लेकिन सबसे जो इसको शक्ति और शक्तिशाली बनाता है इस पद को, पंचायत बीडीसी और ग्राम पंचायत से, उसमें है इसका करारोपण, यह शुल्क निर्धारण करता है, शुल्क लेना, कर संग्रह करना इसकी पावर है। और कहाँ कहाँ से करता है, जैसे घाट हो गया, कोई प्रकाश कर ले सकता है, जल कर ले सकता है, ये शुरू है शुल्क वसूली या लगान वसूली करने का इसका अधिकार है। और एक पावर है जिला परिषद सदस्य का जो आपको नहीं पता होगा, वह ग्राम पंचायत के किसी भी निर्णय को निरस्त कर सकता है अगर वो जिससे शांति भंग होने की आशंका हो, तो ग्राम पंचायत में लिए गए निर्णय को निरस्त करने का अधिकार है जिला परिषद को। जिला परिषद सदस्य सिर्फ अपने इलाके के नहीं पूरे जिले के विकास योजना तैयार करते हैं। विकास योजना जब बैठक होती है, आपको पहले बता दें कि जिला परिषद की बैठक 3 महीने में एक बार होना जरूर होना चाहिए, मैंने होना है, नियम है, होता ही है। वहां यह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां जो वार्षिक बजट बनता है उसमें यह अपने इलाके में जो क्या विकास कार्य होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, कहाँ पर कर कितना लगना चाहिए, उसका यह अपना प्रतिनिधित्व करके वहां बताता है, उसको तय करता है जिला परिषद सदस्य होता है, प्रतिवर्ष जिले के विकास योजना को तैयार करता है, जिसमें उसके अपने इलाके का भी योजना को तैयार करता है। जिला परिषद एकमात्र ऐसी संस्था है, किसी बाजार में आप देखते होंगे कोई बाजार में वाहन घुसती है जगह, एक रसीद कट जाता है कि जिला परिषद का यह रसीद है, तो यह जिला परिषद का और रसीद का जो पैसा होता है कहाँ जमा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जिला परिषद निधि का गठन होता है, जिला परिषद निधि होता है, उसमें केंद्र व राज्यों द्वारा दिया गया अंशदान अनुदान और अनुदान जमा होता है। केंद्र व राज्य द्वारा जो अंशदान अनुदान दिया जाता है आप जानते ही होंगे, चाहे मैंने पहले ही बताया था कि जो पंचम वित्त का नाम सुने होंगे, 15वीं वित्त का नाम सुने होंगे, 14वीं वित्त का नाम सुने होंगे, तो जो वहां से पैसा जो जारी होता है
उस पैसे में जिला परिषद का भी हिस्सा होता है। वहां से मतलब इसका रेशियो ही है 70-20 और 10, या 70 और 30 भी लोग कहते हैं। तो अगर वहां से 100 रुपया चलता है, अगर पैसा आया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, तो 70 रुपया ग्राम पंचायतों को मिलता है, 20 रुपया BDC को और 10 रुपया जिला परिषद को मिलता है। तो 10 रुपया काफी पैसा हो जाता है। आप यही समझ लीजिए कि अगर 5,000 की आबादी पर एक एक ग्राम पंचायत होता है, 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद क्षेत्र होता है, तो 10 गुना पैसा हो जाता है। मतलब वो अगर करेंगे तो फिर वो 100 रुपया उसके पास हो जाएगा, ग्राम पंचायत के पास 70 रुपया हो जाएगा। 10-10 रुपया अगर सब का मिला तो हो गया 10 गुना पैसा हो गया। तो यह रेशियो बंटवारा का जो धन आता है उसका रेशियो यह है 70-20 और 10। और जो होता है जिला परिषद निधि में BDC व अन्य संस्थाओं से जो अनुदान मिलता है उससे भी हो सकता है। यहाँ तक कि जिला परिषद अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, जैसे खाली जमीन पड़ा है जिला परिषद का, जमीन सुनने होंगे, जमीन किसी के पास नहीं रहता लेकिन जिला परिषद का जमीन रहता है, मार्केट बनवाना है वहां, चाहे कोई बाजार लगवा देना है, तो उसको बनवाने के लिए पैसा चाहिए। अगर धन नहीं है तो जिला परिषद सांसद विधायक के पास पत्र लिख के पैसा मांग सकता है, नहीं तो वह ऋण ले सकता है। वह ऋण लेकर वो मार्केट बना सकते, तो किराया पर पट्टा पे लगा देगा, फिर ऋण भरा जाएगा। जब बहुत सारे साधन है जिला परिषद के आमदनी, उस निधि में आमदनी के बहुत सारे साधन है, क्योंकि कर लगान वसूलने का अधिकार है जिला परिषद को। जुर्माना वसूली, अर्थ दंड, ये करारोपण जो है सबसे बड़ा जिला परिषद को अधिकार मिला हुआ है। जिला परिषद के मतलब आप लोग समझते होंगे कि बार बार देखते होंगे अभी, लेकिन होता क्या है कि जिला परिषद आप चुन लिए, सदस्य चुन दिए, होता है कि जब चुनने के बाद फिर जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होता है, और वहां इन लोग के होता है फिर मोल जोल होता है, देखते होंगे कि इसको घुमा के ले जा रहा है, गोवा घुमाने ले जा रहा है, दिल्ली घुमाने ले जा रहा है, और वहां इन लोग का डीलिंग होता है कि वो स्कॉर्पियो ले लीजिए तो 8 लाख ले लीजिए, तो 20 लाख ले लीजिए और वोट दे दीजिए, वोट वोट इनको मांग लेते हैं, इनका वोट खरीद लेते हैं। और जब वोट खरीद लेते हैं तो वहां पर जिला परिषद को जो निधि होती है वहां से पैसा फिर वहां फिर गिराते हैं। लेकिन इनको पैसे के लिए कहीं गिराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यही है कि अंगूठी कहाँ गुम हुआ, और ढूंढते हैं प्रकाश में, अपने इलाका में प्रकाश करते नहीं है। जैसा मेरा कहने का मतलब है कि एक कहानी मैं छोटी सी सुना दे रहा हूं। एक बच्चा एक बिजली के खंभा के नीचे जहां प्रकाश था अंगूठी ढूंढ रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, तो एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, बोला कि अंगूठी मेरी खो गई है, सोने की थी, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा खोया कहाँ है, तो बोला खोया तो उधर है दूसरे मोहल्ले में, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तो बोलता क्या है कि वहां अंधेरा है, प्रकाश यहाँ है, इसलिए हम वहां, यहाँ दिखेगा वहां थोड़े दिखेगा। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जहां अंगूठी खोया हुआ है वहां प्रकाश फैलाओ, वहां प्रकाश करो, अंगूठी वहीं मिलेगी। उसी प्रकार है जिला परिषद जीतते हैं अपने इलाके से और फिर वहां दौड़ लगाते हैं धन के लिए। वहां जिला परिषद अगर पूरा तालमेल पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायतों से करके और उनके पास जो शक्तियां हैं उन धन का सही उपयोग करें, और जितना उनको अधिकार दिया गया अपने जमीन का, जो भी साधन है, हाट का, बाजार का, तालाब का, सही संसाधनों का उपयोग करें, तो बहुत बड़ा क्रांति बदलाव ला सकता है। वही करके इनको प्रकाश अपने इलाके में फैलाना चाहिए, वहां इनको कोई भी प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगी। खैर ये बात है, और क्या पावर है जिला परिषद एक सदस्य का, उस पावर मैं पहले ही बताया था कि कोई व्यक्ति में पावर नहीं होता है, सारे पावर उनके सदन में होता है और उनके पोर्टफोलियो में होता है। तो जिला परिषद में भी अस्थायी समितियां बनाई जाती है, 7 अस्थायी समितियां बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, ये जिला परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं वही होते हैं, समझिए कि मंत्रिमंडल बंटता है, 7 मंत्रालय है वहाँ। कौन कौन से मंत्रालय है यह मैं आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में
टॉपिक बाय टॉपिक मैं जिला परिषद के क्रियाकलापों का पूरा वीडियो बना दूंगा, कैसे हटाया जाता है, कैसे इनको चुना जाता है, ये पूरा मैं समझा दूंगा। खैर यार अभी प्रसंग है, आप लोगों को परिचय देना चाहता हूँ जिला परिषद सदस्य पद के लिए, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ। जिला परिषद की अगर बात की जाए तो इनको अगर मासिक वेतन की, तो इनको 2500 रुपये निर्धारित किया गया है मासिक वेतन जिला परिषद सदस्य को, और यात्रा भत्ता के रूप में 2008 में तय हुआ था 5 रुपये प्रति किलोमीटर, लेकिन अभी नया नियमावली में 9 रुपये से 11 रुपये प्रति किलोमीटर इनको देने की प्रस्ताव आया है। यह पारित हुआ है कि नहीं पारित हुआ है मुझे पता नहीं है, नहीं 5 रुपये वाला मुझे पता है कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर 2008 में इनको तय किया गया था। अभी 9 से 11 रुपये शायद हो गया है इनको प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता के रूप में मिलता है। तो दोस्तों यह था जिला परिषद सदस्य के शक्तियां और इनके कार्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताया। बहुत दिनों से आपका डिमांड था, मुझे लगा कि इसे अब एक वीडियो कम से कम जिला परिषद पे डाल देना चाहिए। अब कैसा लगा आपको वीडियो यह बताइएगा, और क्या जानना चाहते हैं यह भी कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।